प्रोग्रेसिव इन्वेस्टर समिट पंजाब लुधियाना दे विच अज मुल्लापुर दाखा नेड़े किंग्स विला पैलेस च करवाया गया, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने देश दियां चोटी दी कंपनियां दे मालका दे नाल अज गलबात कीती। चन्नी ने कहा कि यह सब कुछ सूबे विच सुखावें माहौल तो बिना संभव नहीं है। इस दौरान साड़ी टीम वालों सनतकारा नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार नूं पहला पुरानी इंडस्ट्री नूं तरजीह देनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि सरकार लई तुहाडे वड्डे ऐलान किते ओह लिमिटेड इंडस्ट्री लई ने, जदों कि अजिहे ऐलान दे नाल इंडस्ट्री विच इक सारता नूं ढाल लगेगी। उत्थे भी दूजे पासे सनतकारा ने कहा कि ज़्यादातर निवेश होए हन उन्हां विच पुरानी इंडस्ट्रियां वलों भी अपने कारोबार दे विच वादा किया गया, जदों कि नवे निवेशकां दी तादाद काफ़ी घट है। जदों कहिंदे वी किसी चीज़ दे उत्ते तुसीं एक्शन करना शुरू कर दो ना, तो उहदा फिर नतीजा जिहड़ा है वह ठीक हो जांदा हुंदा। जे अज उन्होंने सानू कहा भी असीं 50% फिक्स चार्ज दे सानू माफ़ करांगे, तो लगता है भी जिहड़े बाकी भी जदों असीं उन्हां नाल गलबात अगे डिटेल च करांगे तो वह भी 50% जिहड़े हैगे वह भी चेंज हो जाणगे, जां उहनूं लॉ नूं चेंज करना होवे तो वह भी कर सकदे ने। दूसरी गल है कि जिहड़ी वैट दे जिहड़े केसिस सीगे उन्हां दा उन्होंने कहा भी मैं सारा असीं निपटारा कर दांगे तुहाडा, और जिहड़े वैट दे साडे पैसे फसे होए आ उन्हां वास्ते भी पिछे जदों असीं बादल साहब नाल गल कीती सी उन्होंने कहा सी असीं बहुत जल्दी तुहानूं जिहड़े आ इह सारे खाली कर दांगे, तुहानूं इंडस्ट्री नूं सारा पैसा जदों मिल जाएगा तो इंडस्ट्री वास्ते बहुत वधिया चीज़ हुंदी आ। जो अज दा सिचुएशन इत्थे होई आ, जो ऐलान कीते गए आ, जे इह सारे ऐलान सही हो जाएंगे तो इंडस्ट्री वास्ते बहुत वड्डी रिलीफ होएगी। मैं तो यही उम्मीद करके चलदा भी पंजाब सरकार इन करे, और ये कि जी अज की इंडस्ट्री चलती है ये जो चलेगी सही तो नैचुरली बाहरली इंडस्ट्री जी दोबारा इतने आनी चाहती है, जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करवाना चाहते बाहरली कंपनियों का वो इसे आके ताही करेंगे जो लोकल इंडस्ट्री पहले वाली सही चलती है। इस दौरान पत्रकार नाल गलबात करदे आ जिथे मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि पंजाब दे विच चंगा निवेश होया है अते नवे पंजाब दी कल्पना दा सुपना साकार हो रहा है। उत्थे ही उन्हां कहा कि साडा टीचा जो पुरानी इंडस्ट्री है उसनू वध तों वध सहूलतां देणा है तां जो उन्हां नू वेख के नवी इंडस्ट्री आवे। उन्हां कहा कि चरणजीत चन्नी दा जन्म आजादी तों बाद होया है, इस करके उन्हां कोल फ्रैश आईडिए ने। उन्हां कहा कि हुण तक पंजाब दे जिन्ने मुख्यमंत्री रहे ओह आजादी तों पहलां दे जन्मे सन, जिन्हां च भावें कैप्टन अमरिंदर होण जां फिर प्रकाश सिंह बादल जां फिर बीबी पटल ही क्यों ना होण, और जो पिछले 4-4.5 साल दी कोशिश ते काविश है पंजाब सरकार दी उस कोशिश नूं बूर पिया, और तकरीबन 99,000 करोड़ दी इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है ये पंजाब दे विच ग्राउंडेड है। गौरतलब गल ये भी है कि पंजाब सरकार दी जिहड़ी तरजी है वह ना केवल यह है कि बाहरले मुल्कां तो या बाहरले स्टेटां तो इन्वेस्टमेंट आवे, बल्कि जेड़े पंजाब दे विच कारोबारी या उद्योगपति बंदे है उन्हां दा सफर सुथरा होवे, वह साडे अंबैसडर बनन, वह जाके लोकां नूं दसन कि जेड़ी पंजाब जेड़ा है ये इन्वेस्टमेंट वास्ते एक सुथरी जगह है। सो साडी कोशिश इस वेले है कि जेड़े मौजूदा इंडस्ट्रियलिस्ट है पंजाब दे उन्होंने हर सहूलत फराहम की जावे, और अज सीएम साहब ने 2-4 बड़िया अहम अनाउंसमेंट्स कीतियां, जिदे विचों मैं समझदा सब तो वड्डी अनाउंसमेंट तो यह है कि जेडे वैट दे पुराने केस सीगे और तकरीबन 48,000 बंदा इस असैसमेंट फसया सी 14-15, 15-16, 16-17 का, वो तमाम केस जेडे है वो उन्हां चो 48 चो 40,000 तो बिल्कुल ही खत्म करते, और तुसी मतलब इस देखो भी 40,000 बंदियां तो 50 करोड़ रुपया सरकार की डिमांड सी, और एक एड्डी वड्डी फौज सरकारी अफसरां दी और 40,000 बंदा खज्जल इस करके हो रहा सी कि उन्हां तो 50 करोड़ रुपया लेना सी।